Hi everyone, how are you? I'm Dr. Deepika Chamoli, your psychologist and clinical hypnotherapist. जो ज़िंदगी है वो उतार चढ़ाव से बनी है और उतार चढ़ाव की वजह से ही हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है। सोचिए अगर आपके घर में सिर्फ एक ही कलर डोमिनेट करे, एक ही कलर हो, आप एक ही कलर के कपड़े पहने तो आप कितनी जल्दी बोर हो जाएंगे, राइट? सो इसीलिए ज़िंदगी को रंग बिरंगा और कलरफुल बनाने के लिए हमें बहुत सारे कलर्स की ज़रूरत होती है और वो कलर्स होते हैं दुख और सुख और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस जो हमारी लाइफ में आती हैं। अब आप जब हम दुखी होते हैं तो क्या होता है? जब हम दुखी होते हैं तो हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, और जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो बहुत सारी रिसर्चेज ये कहती हैं कि आप या तो मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं या बहुत सारी मानसिक रोग का तनाव आपका एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसको हम कैसे बचें? उस समय जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हम हमारे दिमाग में ये हमेशा चलता रहता है कि मैं बहुत ख़राब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत अनलक्की हूँ। ये सारी नेगेटिव चीज़ें और इसी तरह की नेगेटिव सोच बढ़ती जाती है। उस नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदलना उस समय पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसको पॉजिटिव में बदल देंगे तो आप जो दुख का टाइम है वो बहुत इजीली काट पाएंगे। तो कैसे करना है उसको? एक बहुत सी सिंपल सी साइकोलॉजिकल टेक्निक है। आप एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और डेली लिखिए कि मैं अपने में परफेक्ट हूँ और मैं हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सेंटेंस आप रोज़ 10 बार लिखिए, मैं अपने में परफेक्ट हूँ और हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, और आप 7वें दिन ऐसा फील करने लगेंगे। क्योंकि ये चीज़ें, ये सेंटेंस आप पेपर पर नहीं लिख रहे हैं, ये सेंटेंस आप अपने माइंड पर, अपने ब्रेन पर लिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रेन उस तरह से सोचना शुरू कर देता है। जब हम किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं तो हमारा ब्रेन वैसा ही सोचना शुरू करता है और वैसे ही सिग्नल्स हमारी बॉडी में भेजना शुरू करता है और हम परफेक्ट और कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। सो आप करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसने काम किया या नहीं किया, एंड 100% ये काम करेगा। थैंक यू।